निम्नलिखित का वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के समान होना पूरी तरह से संयोग है। सभी नाम, दिनांक और स्थान पूर्णतः काल्पनिक हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है डॉ इंसोम्निया की कहानियों में। अगर हत्या, राक्षसों और रात में होने वाली हर चीज की खौफनाक कहानियां आपकी पसंद हैं, तो मेरे दोस्त आप हैं मैं। एक वास्तविक दावत के लिए, यदि नहीं तो ठीक है, आपको अब वापस लौटने की चेतावनी दी गई है। कृपया सदस्यता बटन को दबाना और सभी सूचनाओं के लिए घंटी बजाना सुनिश्चित करें। इससे मुझे आपके लिए कहानियां लाने में मदद मिलती है जो आपको उतनी ही पसंद आएंगी जितनी मुझे आपको उनकी ओर आकर्षित करने में पसंद है। डॉ इंसोम्निया की कहानियों में आपका स्वागत है, स्वागत है। यदि हत्या करने वाले राक्षसों की खौफनाक कहानियां और रात में जो कुछ भी टकराता है वह आपकी चीज है, तो ठीक है मेरे दोस्त, तुम एक वास्तविक उपहार के लिए आए हो। यदि आप ठीक नहीं हैं, तो आप अब वापस लौटने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए अपने आराम क्षेत्र में बसने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि स्पाइन चिलिंग सागा लॉकडाउन दुःस्वप्न सामने आने वाला है। नॉर्मन ह्यूस्टन टेक्सास से हैं और वह एक बजट अपार्टमेंट में अकेले रहते हैं। कोविड के कारण उनका शहर 2 सप्ताह से अधिक समय से पूर्ण लॉकडाउन पर है और नॉर्मन का बुनियादी जीवन कार्यक्रम पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। वह आम तौर पर पूरी रात अगले दिन की सुबह तक जागता है, दोपहर और देर शाम को दिन में और बाहर सोता रहता है। नॉर्मन के लिए यह काफी हद तक ठीक था। रात में अकेले जागना स्फूर्तिदायक होता है, क्योंकि यह बहुत शांतिपूर्ण होता है। हवा ठंडी है और दुनिया शांत है। अधिकांश समय वह कुछ काम निपटाने के बाद इंटरनेट पर बस बेवकूफी करता है, पढ़ता है और वीडियो देखता है। हालांकि पिछले 3 दिनों से नॉर्मन रात के अंधेरे में आमतौर पर सुबह 3 बजे के आसपास यूबर ईट्स के डिलीवरी वालों को अपने दरवाजे पर ला रहा था। पहली बार जब ऐसा हुआ तो वह चौंक गया। वह अकेला रहता था। उस समय उसके दरवाजे पर दस्तक का मतलब केवल बुरी खबर हो सकती थी। नॉर्मन ने अपना मुखौटा पहनने के बाद तुरंत अपना दरवाजा खोला और एक आदमी को पोलो शर्ट और टोपी पहने हुए देखा, जिसके हाथ में थाई भोजन का एक बैग था। उसने उस आदमी से कहा, गलत घर है यार, और अपने काम पर वापस जाने के लिए दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन डिलीवरी वाले ने कृपया सर, कृपया कहकर उसे रोक दिया। नॉर्मन पीछे मुड़ा और उस आदमी ने थाई फूड बैग उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कृपया सर, इसे ले लो, इसे ले लो, आपका ऑन ऑर्डर। नॉर्मन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने कुछ भी ऑन ऑर्डर नहीं किया, आपको गलत घर मिल गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि डिलीवरी करने वाला व्यक्ति सुन ही नहीं रहा है। वह नॉर्मन की ओर बैग बढ़ाते हुए बार बार कहता रहा, कृपया सर, इसे ले लीजिए, आपका ऑन ऑर्डर। इस बिंदु पर नॉर्मन को लगा कि उस व्यक्ति को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था, या शायद वह किसी तरह से अक्षम था। तो नॉर्मन ने बैग ले लिया, यह सोचकर कि शायद उस पर डिलीवरी का पता होगा। नॉर्मन ने पहली बात जो नोटिस की वह यह थी कि यह सामान्य उबर ईट्स डिलीवरी बैग नहीं था। लोगो अजीब था और गलत वर्तनी वाला था। ऐसा कुछ उसने उबर ईट्स जैसे बड़े नाम के साथ कभी नहीं देखा था। बैग पर कोई डिलीवरी पता नहीं लिखा था। तो उसने उस आदमी से रसीद मांगने की कोशिश की, लेकिन अजनबी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई रसीद नहीं। पीछे हटते हुए जाने के लिए तैयार हो गया। नॉर्मन ने उसे रोकने और बैग वापस देने का प्रयास किया, लेकिन उस व्यक्ति के पास बैग नहीं था। वह नॉर्मन को मिस्ट्री थाई भोजन का एक मुफ्त बैग छोड़कर जल्दी से चला गया। अब नॉर्मन को शायद उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि यह मुफ्त थाई भोजन है, लेकिन यह सुबह के 3 बजे हैं। यह एक अज्ञात जगह से है और भगवान जानता है कि इसके साथ क्या किया गया है। डिलीवरी का काम उन सबसे अजीब लोगों में से एक ने किया था जिनसे वह कभी मिला था, इसलिए वह वही करता है जो किसी भी समझदार व्यक्ति को करना चाहिए, और उसे अपने दरवाजे के बाहर छोड़ देता है, यह सोचकर कि सुबह वह इसे अपने कूड़ेदान के साथ बाहर फेंक देगा। नॉर्मन की बहन हमेशा उससे कहती थी कि कभी भी बाहर से अजीब चीजें न उठाओ, और इस बात पर जोर देती थी कि यह किसी भी दुर्भाग्य या परेशानी को लाने से बचने का सबसे आसान तरीका है। उसके बाद
नॉर्मन अपने कंप्यूटर पर वापस आया। थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन वास्तव में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था। सूरज उगाया और वह अपना कूड़ा उठाने के लिए बाहर चला गया। जब नॉर्मन बाहर निकला तो उबर ईट्स बैग वहां नहीं था। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने इसे ऐसे टाल दिया जैसे शायद चौकीदार या किसी ने उसके लिए इसे फेंक दिया हो। नॉर्मन ने अपना दिन हमेशा की तरह आगे बढ़ाया और पूरी घटना को पूरी तरह से भूल गया जब तक कि दोबारा दस्तक नहीं हुई। नॉर्मन ने समय देखा, रात के 2:45 बजे थे। क्या बकवास है, वह उठा, अपना मुखौटा लगाया और दरवाजा खोला। पहले से समान वर्दी में एक अलग आदमी थाई भोजन का एक और बैग पकड़े हुए उसके सामने खड़ा था। सर, आपका ऑर्डर लीजिए। नॉर्मन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये मेरा नहीं है, गलत घर है, उसने उससे कहा। इस बार इससे पहले कि वह आदमी उसे रोक पाता, नॉर्मन अपने पीछे का दरवाजा बंद करने में कामयाब रहा। वह कुछ और मिनटों तक खड़ा रहा और उस आदमी को झांक से बाहर देखता रहा। सबसे पहले वह लड़का दरवाजे की ओर एकटक देखता रहा। जब यह स्पष्ट हो गया कि नॉर्मन वापस नहीं आ रहा है, तो उस व्यक्ति ने बैग उसके दरवाजे के सामने रख दिया और चला गया। संतुष्ट होकर नॉर्मन अपनी मेज पर वापस गया और बैठ गया, अपने आप से बड़बड़ाते हुए कि ऐसा दो बार होना कितना अजीब और कष्टप्रद है। क्या किसी ट्रोल ने मेरा पता ढूंढ लिया और मेरे साथ मजाक किया? लेकिन उस आदमी ने भुगतान नहीं मांगा। क्या यह सिर्फ उसे परेशान करने के लिए है? ऐसा कौन करेगा? क्यों उसे? थाई फूड प्लेस को खोजने के प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि यह भी संभव है कि यह एक सड़क किनारे का व्यवसाय है जिसकी कोई ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है। जबकि ये सभी विचार नॉर्मन के दिमाग में घूम रहे हैं, उसे एक एहसास होता है और उसे लगता है कि उसका दिल ठंडा हो गया है। संतुष्ट होकर नॉर्मन अपनी मेज पर वापस गया और बैठ गया, अपने आप से बड़बड़ाते हुए कि ऐसा दो बार होना कितना अजीब और कष्टप्रद है। क्या किसी ट्रोल ने मेरा पता ढूंढ लिया और मेरे साथ मजाक किया? लेकिन उस आदमी ने भुगतान नहीं मांगा। क्या यह सिर्फ उसे परेशान करने के लिए है? ऐसा कौन करेगा? क्यों उसे? थाई फूड प्लेस को खोजने के प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि यह भी संभव है कि यह एक सड़क किनारे का व्यवसाय है जिसकी कोई ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है। जबकि ये सभी विचार नॉर्मन के दिमाग में घूम रहे हैं, उसे एक एहसास होता है और उसे लगता है कि उसका दिल ठंडा हो गया है। ह्यूस्टन अभी लॉकडाउन पर है। कोई भी रेस्तरां रात 8 बजे के बाद संचालित नहीं हो सकता। इस समय कोई कैसे खाना पहुंचा सकता है? इसके अलावा उबर ईट्स ड्राइवरों को दरवाजे पर डिलीवरी छोड़नी होगी। तो फिर नॉर्मन के दरवाजे के बाहर कौन था? उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। असली डर के साथ नॉर्मन जल्दी से अपने बिस्तर में रेंग गया और अपनी नसों को शांत करने की कोशिश करने लगा। ये शायद कुछ भी नहीं है, मैंने थाई भोजन नहीं लिया। अगर ऐसा दोबारा होता है तो मैं सुरक्षा लूंगा और पुलिस को बुलाऊंगा। ये ठीक हो जाएगा, ये वास्तविक जीवन है, ये वास्तविक जीवन है, उसने चुपचाप दोहराया। उसकी आंखें तब तक बंद रहीं जब तक कि वह अंततः सो नहीं गया। तीसरा दिन, रात 9 बजे। नॉर्मन उठा और समय का ध्यान रखते हुए घबराहट से अपनी दिनचर्या में लग गया। उसने दिन का अपना काम पूरा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ध्यान केंद्रित करना असंभव था। नॉर्मन उत्सुकता से दस्तक का इंतजार करता रहा। घड़ी टिक टिक करती रही। वह ध्यान भटकाने के लिए बेताब होकर अपने कंप्यूटर की ओर देखने लगा। 2:25 AM, आपका ऑन ऑर्डर सर, कृपया ले लीजिए। आपका सर। नॉर्मन 5 मिनट तक अपनी सीट पर बैठा रहा और दरवाजे की ओर देखता रहा। आपका आदेश श्रीमान, आपका आदेश, वह व्यक्ति दोहराता रहा। वह तब तक बिना आवाज किए इंतजार करता रहा जब तक कि दस्तक बंद नहीं हो गई। नॉर्मन निश्चित रूप से नहीं कह सका कि यह कितनी देर तक चला, शायद 10 मिनट या उसके आसपास। वह इंतजार करता रहा, सन्नाटा पसरा रहा। यह कुछ मिनट पहले की लगातार दस्तक से अचानक हुआ बदलाव था। नॉर्मन ने अपने कंप्यूटर पर घड़ी पर नजर डाली। 2:55 पूर्वाह्न। पहली दस्तक हुए 30 मिनट हो चुके थे। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वह चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ा और झांक कर बाहर झांकने लगा, ये उम्मीद करते हुए कि यह सब सिर्फ एक बड़ी गलतफहमी है, यह सब सिर्फ एक साधारण गलती है और जो कोई भी दरवाजे के बाहर था वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह चला गया है। लेकिन नॉर्मन पूरी तरह से भयभीत हो गया। वह आदमी अभी भी वहीं था, अपने दरवाजे पर अपना सिर झुकाए थाई फूड बैग पकड़े हुए खाली खड़ा था।
नॉर्मन सदमे में डूब गया। अचानक जैसे उसे एहसास हुआ कि वह वहां है, उस आदमी ने अपना सिर झांकने के छेद की ओर उठाया। उसका कोई चेहरा नहीं है, इस आदमी या चीज का कोई चेहरा नहीं है, ये सिर्फ खाली त्वचा है जहां चेहरे की विशेषताएं होनी चाहिए। नॉर्मन स्तब्ध और स्तब्ध होकर घूरता रहा। धीरे धीरे जहां उसके होंठ ऊपर की ओर फड़फड़ाने लगे, इतनी चौड़ी मुस्कान में बदल गए कि वह राक्षसी लगने लगे। फिर प्रसन्न स्वर में उत्साह की सीमा तक उस व्यक्ति ने खोला और कहा, मुझे पता है कि इस समय आप वहां हैं। नॉर्मन जोर की आवाज और चीख के साथ पीछे गिर गया। वह जितनी तेजी से हो सकता था दरवाजे से दूर भाग गया और दरवाजे पर नजर रखते हुए कमरे के कोने में पीछे चला गया। तभी धमाका शुरू हो गया। सर, आपका ऑन ऑर्डर सर, आपका ऑन ऑर्डर सर। नॉनस्टॉप धमाकों के बीच बाहर की बात मस्ती से दोहराती रही। कहने का तात्पर्य यह है कि नॉर्मन सदमे और भय से कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी का खौफ घूम रहा था और घबराहट में उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। नॉर्मन ने अपनी आंखें बंद कर ली, कमरे के कोने में छिपा हुआ सोचा, यही है, मैं मरने जा रहा हूं, यही है। अचानक अगले दरवाजे से एक जोरदार गुस्से वाली चिल्लाहट सुनाई दी। आखिर यह शोर कौन मचा रहा है? नॉर्मन ने कदमों की आवाज और अपने पड़ोसी के दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। एक विराम था, फिर पुनः मौन हो गया। अब कोई जोर जोर से चिल्लाने वाली आवाज नहीं है, कोई प्रसन्न आवाज नहीं है। दोहराते हुए, आपका आदेश श्रीमान, आपका आदेश। नॉर्मन ने अपने पड़ोसी का दरवाजा बंद होने और कदमों के लड़खड़ाते हुए पीछे हटने की आवाज सुनी। वह खड़ा हुआ और अपने बिस्तर की ओर चला गया। नॉर्मन अपनी आंखें कसकर कवर के नीचे दुबक गया, लेकिन नींद नहीं आई। उसका पूरा शरीर भयभीत हो गया। वह डर रहा था कि कब वह चीज वापस आएगी, दस्तक देगी, प्रसन्न स्वर में उसे बुलाएगी। पूरी रात डर और चिंता से जूझते हुए नॉर्मन अभी भी पूरी तरह से थका हुआ था, जब सूरज की रोशनी की पहली किरणें खिड़की के पर्दे के माध्यम से कमरे में पहुंची। उसने समय देखा, सुबह 6:30 बजे। नॉर्मन रेंगते हुए बिस्तर से बाहर निकला, कपड़े पहने और सुरक्षा के लिए नीचे चला गया। उसने गार्ड को बताया कि पिछली 3 रातों में क्या हुआ था, लेकिन इस तथ्य को छोड़ दिया कि उसने जो देखा वह अमानवीय था। नॉर्मन का मानना था कि वह अभी भी कुछ आशा से जुड़ा हुआ था, कि यह एक गलती थी, उसकी कल्पना उस पर हावी हो गई थी और उसका खाली चेहरा प्रकाश की एक छोटी सी चाल थी। हालांकि नॉर्मन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद गार्ड ने उसे केवल भ्रम और संदेह की दृष्टि से देखा। गार्ड ने उसे बताया कि नियमों के अनुसार किसी को भी परिसर तक जाने की अनुमति नहीं है, और उसने नॉर्मन को सुरक्षा फुटेज दिखाने की भी पेशकश की, जब उसने देखा कि वह कितना डरा हुआ लग रहा था। जब फुटेज सामने आया तो नॉर्मन को अपने चेहरे से खून बहता हुआ महसूस हुआ। यह वैसा ही है जैसा गार्ड का कहना है, घटना के समय किसी को भी परिसर में जाने की अनुमति नहीं थी। सच तो यह है कि नॉर्मन के दरवाजे के बाहर भी किसी को नहीं दिखाया गया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कह सके। नॉर्मन ने गार्ड को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में वापस चला गया। क्या नॉर्मन को मतिभ्रम हो सकता है? वह यह हो सकता है कि यह लॉकडाउन शेड्यूल उसकी क्षमता से कहीं अधिक उसके साथ छल कर रहा हो, उसने ऊपर की ओर बढ़ते हुए मन में सोचा। हालांकि जैसे ही वह अपने कमरे का दरवाजा खोलने वाला था, बगल का पड़ोसी बाहर निकल आया। उसने नॉर्मन को घूर कर देखा और कहा, अरे यार, कल तुम्हारे दरवाजे पर इतना शोर क्यों हो रहा था, है ना? क्या तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि सुबह के 3 बजे होते हैं जब लोग सोते हैं? यदि ऐसा है, दोबारा ऐसा होता है, मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, उसके दरवाजा बंद करने से पहले। उसने भी सुना, उसने वास्तव में इसे सुना, ये वास्तविक है, ये बिल्कुल वास्तविक है। अब नॉर्मन अपनी कोठरी में डर से कांप रहा है और अपने फोन पर घड़ी देख रहा है। अभी रात के 1:30 बजे है, ये जल्द ही आएगा, वह नहीं जानता कि क्या करना है। अच्छा, मेरा कौन जानता था कि लॉकडाउन के दौरान सबसे डरावनी चीज वायरस नहीं बल्कि आतंक फैलाने का शौक रखने वाला उबर ईट्स ड्राइवर होगा।